नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं विनय और आप देख रहे हैं एंड्रॉय टैक्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही जबरदस्त गेम लेके आया हूं। दोस्तों गेम का नाम है द डार्क नाइट्स। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त गेम है। दोस्तों मैंने इस गेम की ऑलरेडी पहले भी वीडियो पोस्ट की थी। दोस्तों उस गेम में दिक्कत आ रही थी, जो मैंने उस गेम का लिंक दिया था वो ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों मेरे पास कमेंट आ रही थी कि आप उस लिंक को ठीक कीजिए। तो दोस्तों आज के बाद मैं जितनी भी गेम पोस्ट करूंगा उसमें आपको बहुत सारे लिंक दिया करूंगा, ताकि आप बहुत ही आसानी से गेम को डाउनलोड कर सकें। दोस्तों जो आज का गेम है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ग्राफिक की बात की जाए, ग्राफिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्तों गेम का साइज 670 MB करीब होगा, जो इसका APK है 7 MB के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, आप कोई भी लिंक पे जाकर गेम को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ, मैंने पिछले 2-3 दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। दोस्तों आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए आपको रेगुलरली वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए सॉरी। दोस्तों आज के बाद आपको हर 2 दिन बाद वीडियो मिलती रहेगी हर गेम की। दोस्तों मैंने मॉर्टल कॉम्बैट एक्स की गेम की वीडियो भी रेडी कर रखी है। मैंने उस गेम को ऑलरेडी 2-3 डिवाइसों पर ट्राई किया है, बहुत ही अच्छी गेम है, आपको बहुत ही जल्दी वो वाली गेम भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आप सबसे पहले इस गेम का छोटा सा गेम प्ले देख लीजिए, डार्क नाइट्स का। तो देखिए दोस्तों इस तरह का गेम प्ले आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों गेम की बात की जाए, दोस्तों गेम कंप्लीटली ऑफलाइन रहेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह का गेम प्ले आपको देखने को मिल जाता है द डार्क नाइट्स का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपने गेम को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो द डार्क नाइट्स गेम खेलने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना होगा, वहाँ पे आपको गेम के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, आप किसी भी लिंक पे जाकर गेम को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आपको ओनली एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका नाम है जेड आर्काइवर। दोस्तों इसी एप्लीकेशन की मदद से हम गेम की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, तो आपने इसे ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन कीजिएगा जेड आर्काइवर को। उसके बाद आप उस फोल्डर पे जाइए जहाँ पे आपने गेम डाउनलोड किया होगा, जहाँ पे भी आपने रखा होगा, तो आप उस फोल्डर पे आ जाइए। यहाँ पे मैंने विनय का फोल्डर क्रिएट किया है, तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप उसके अंदर आते हो, आपको इस तरह की दो फाइलें मिलेगी। एक तो 7 GB फाइल होगी, जो कि 676 MB की होगी। दोस्तों ये डाटा फाइल होगी, दूसरा इसका APK होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने करना क्या है, स्टेप पे सबसे पहले आपने जो ये डाटा फाइल होगी 7Z की, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कीप द स्क्रीन टर्न ऑन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, 5 मिनट आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, जब तक पूरी गेम की फाइल एक्सट्रैक्ट ना हो जाती। दोस्तों जैसे ये कम्प्लीट हो जाता है, आपके सामने एक फोल्डर आ जाएगा, वही गेम का फोल्डर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपके यहाँ पे 5 मिनट लग जाएंगे, ये आपकी फ़ोन की स्पीड के ऊपर निर्भर करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। दोस्तों यहाँ से आगे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। तो आपने बिल्कुल सही से यहाँ पे 100% तक एक्सट्रैक्ट होने देना है, उसके बाद मैं बाकी का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आगे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेम एक्सट्रैक्ट होने वाली है। दोस्तों जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है, आपके सामने एक फोल्डर आ जाएगा। हमें उस फोल्डर को कट करके एंड्रॉयड के फोल्डर पे जाना है। वहाँ पे आपको एक डाटा का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर हमें उसे पेस्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 99 हो चुका है। तो आपने भी यहाँ पे इसी तरह वेट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों जब आपको ये फोल्डर मिलेगा, आपने इस फोल्डर पे लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपने अपनी इंटरनल मेमोरी पे जाना है, जो आपकी डिवाइस मेमोरी होती है, आपने उस पे चले जाना है। वहाँ पे आपको एक एंड्रॉयड का फोल्डर मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का फोल्डर मिलेगा, आपने इसे ओपन करना है। उसके अंदर आपको एक डाटा का फोल्डर मिलेगा, आपने उसे भी ओपन करना है। यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही जल्दी पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये कितनी जल्दी पेस्ट हो जाएगा पूरा फोल्डर। दोस्तों इसी के अंदर गेम का पूरा डाटा होगा। दोस्तों अब आप वापस उस फोल्डर पे चले जाइए जहाँ पे आपने गेम डाउनलोड किया होगा या रखा होगा। अब हमने एपीके को इंस्टॉल करना है, तो अब आप एपीके पे क्लिक कीजिए, इसे ओपन कीजिए। दोस्तों जैसे आप इसे ओपन करते हैं, अब आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोस्तों गेम कम्प्लीटली ऑफलाइन रहेगा। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। दोस्तों गेम गेम लॉफ्ट की है, आपको पता ही होगा गेम लॉफ्ट के ग्राफिक कितने ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एपीके इंस्टॉल हो चुका है। अब आप डायरेक्ट यहाँ से इसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गेम लॉफ्ट का लोगो आ चुका है। आप देख सकते हैं इसमें 1% भी नेट नहीं लगा है। आप मेरा इंटरनेट देख सकते हो, कम्प्लीटली ऑफलाइन गेम है। अगर आपको गेम में फिर भी कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी गेम का रिप्लाई दे दूंगा कि गेम में क्या दिक्कत है। तो आप देखते हैं, अब आप यहाँ पे टैप टू कंटिन्यू कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको साउंड करके भी बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको साउंड करके भी बताया। उसके बाद आप न्यू गेम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग चलेगा, उसके बाद गेम कम्प्लीटली चल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से गेम पूरी तरह से प्ले हो चुकी है। तो आप इस तरह से इस गेम का मज़ा ले सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे। दोस्तों ग्राफिक बहुत ही ज़बरदस्त है, आप ग्राफिक देख सकते हो। आप छोटा सा गेम प्ले देख लीजिए फिर से। देखिए दोस्तों, इस तरह के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। आपने अपनी स्क्रीन को आगे की ओर मूव करना है, तो ये चलने लग जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको आगे भी ऐसी बहुत सारी गेम की वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।